हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। समूह ग श्रेणी के रिक्त पदों की सीधी भर्ती के लिए आवेदन करने वाले बेरोजगारों की जेब पर जीएसटी की मार पड़ रही है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने पर बैंकों की ओर से 18% जीएसटी कटौती की जा रही है, जिससे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सीधी भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थियों से फीस के अलावा 88 रुपए अतिरिक्त देना पड़ रहा है। 1 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू होने से बैंकिंग सेवाओं पर 18% टैक्स दर निर्धारित की गई। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से सीधी भर्ती के रिक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की व्यवस्था की गई। अब तक ऑफलाइन फीस जमा करने का प्रावधान न होने से अभ्यर्थियों को ऑनलाइन ही फीस जमा करनी पड़ रही है। ऐसे में बैंकों की ओर से आवेदन फीस की ट्रांजेक्शन करने पर जीएसटी वसूला जा रहा है। आयोग ने सामान्य श्रेणी के लिए आवेदन फीस 300 रुपए निर्धारित की है, लेकिन ऑनलाइन फीस जमा करने पर 88 रुपए जीएसटी के रूप में अतिरिक्त देने पड़ रहे हैं, जबकि जीएसटी से पहले आवेदन फीस पर इस तरह का टैक्स लेने का प्रावधान नहीं था। 500 रुपए तक आता है आवेदन करने पर खर्चा। सीधी भर्ती के रिक्त पदों के लिए आवेदन फॉर्म भरने में एक अभ्यर्थी का 500 रुपए तक खर्चा आता है, जिसमें 300 आवेदन शुल्क समेत अन्य खर्च शामिल है। प्रदेश में करीब 8.5 लाख से अधिक बेरोजगार सेवायोजन विभाग में पंजीकृत हैं, जो सरकारी नौकरी पाने को सीधी भर्ती पदों के लिए आवेदन करते हैं। 33,000 बेरोजगारों ने आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन। यन आयोग की ओर से वर्तमान में विभिन्न विभागों में 50 रिक्त पदों की सीधी भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए, जिसकी अंतिम दिन 10 मई 2018 है। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले करीब 11,400 अभ्यर्थियों ने फीस जमा कर दी है, जबकि लगभग 33,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन फॉर्म भरने के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। जीएसटी में बैंकिंग सेवाओं के लिए 18% टैक्स निर्धारित होने से ऑनलाइन शुल्क जमा करने पर बैंक 88 रुपए चार्ज ले रहे हैं। यदि आवेदन शुल्क जमा करने के लिए अभ्यर्थी उसी बैंक की सेवा लेते हैं जिस बैंक खाते में शुल्क जमा होना है, तो 300 रुपए ही आवेदन शुल्क लिया जाएगा। दूसरे बैंक खाते आवेदन शुल्क का ट्रांजेक्शन करने पर बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित जीएसटी देय होगा।